तो फ्रेंड्स हेलो 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 हेलो। तो एक और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अपनी, एंड आज मैं स्टार्टिंग मोटो ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं सोचा कि यार मोटो ब्लॉगिंग मेरा बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना यार मोटो ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट किया जाए। तो वेलकम बैक संस्कार धानी छोरे के यूट्यूब चैनल जे बी पी स्काई ब्लॉग में। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो को यार थोड़ा सा क्या है ना, अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आप लोगों का थोड़ा सा और साथ चाहिए, साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल हम लोग आज मैं निकल रहा हूँ गाँव, एंड आई होप कि वाला वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें मैंने अपने गाँव के बारे में बताया था। ऊपर आई वेल में जाके दे सकते हैं। तो निकलते हैं अभी, एंड टाइम हो चुका है समथिंग, अभी 5 बजने वाले हैं। तो एक घंटे का रास्ता है, मुश्किल से एक घंटे का रास्ता है। तो इससे पहले मैं गाड़ी में थोड़ा सा चेकअप करवाना है, हैंडल सा थोड़ा सा इसको टाइट करना है, टाइट करवाते हैं, और ऑयल चेंज करवाना है गाड़ी में। तो ऑयल ख़त्म हो चुका है टोटल भी, तो फिलहाल मिलते हैं आपको। तो एक काम करो, स्माइल तो अच्छी आ रही है आपकी, तो वो ही थोड़ा सा टाइट कर दो, हाँ टाइट कर दो। और ये ऑयल है मर्चेंट ऑयल। हाँ, 11 नंबर की जो बस होती ना उसमें जाएंगे, 11 नंबर की जो बस होती ना उसमें जाएंगे। वो तो भाई साहब फाइनली हमारा काम हो गया है, एंड निकलते हैं, रांझी के पार पहुँच गए हैं। एंड भाई साहब जल्दी से विजिबिलिटी भी कम ना हो जाए, अंधेरा भी ना हो, इससे पहले हमको पहुँच रहे हैं। बस अभी तो फिलहाल एक घंटे लगेगा मुझे गाँव में निकलने में, एंड जब हम खमरिया साइड आते हैं तो खमरिया साइड में यार गजब की ठंड रहती है। मतलब कि जबलपुर में सबसे ज़्यादा जो ठंड रहती है ना, सबसे ज़्यादा ठंड रहती है हमारे खमरिया क्षेत्र में। एंड ये है हमारे भाई जबलपुर का मिनी कश्मीर, ये है मिनी कश्मीर। आप कश्मीर बोलो या जम्मू बोल दो या लद्दाख बोल दो, तो या सियाचिन भी बोल दो, तो सियाचिन बोल दो। तो देखिए पीछे, मतलब कि सूरज एक प्रकार से सूरज की किरणें देख के और धूप देख के और समझने आ रहा होगा कि सूरज बहुत तेजी से अब नीचे जा रहे हैं। भाई साहब ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये है शिव मंदिर, एंड ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। एंड यहाँ पे ये कुआँ है, बहुत ही बड़ा कुआँ है और बहुत ही गहरा है। तो इसमें चमत्कारी चीज़ एक चीज़ आपको देखने मिलेंगी, यदि आप रानी साइड और खमरे साइड हैं ना तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। और यहाँ पर ऐसा है खेल माई मंदिर जो कि बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। तो हम लोग अभी पहुँचने वाले पिपरिया, एंड पिपरिया के ठीक मेरे राइट साइड है एयरपोर्ट, और जो पहाड़ी ऊपर देख रहे हो ना, ये है एयरपोर्ट जो कि यहाँ से बहुत ही पास में है एयरपोर्ट। हालांकि एयरपोर्ट जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है सिटी से होते हुए जाना पड़ता है और एक है यहाँ से कच्चा रास्ता है, जो कच्चे रास्ते आप जा सकते हैं। और एक और नया बन रहा है जो कि हमारे क्या बोलते हैं भाई हैं, भाई का नाम है कार्तिक, कार्तिक ने बताया अभी, और वो अभी राइड करके आया था, तो उसके चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो उसने बनाया है नया एयरपोर्ट बन रहा है, एंड फिलहाल हम लोग पिपरिया है, पिपरिया क्रॉस करने वाले हैं। और पिपरिया छोटा सा है और ये गए और वो चले गए, मतलब ऐसा छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर से आए हम लोग केनाल, ये है केनाल, बहुत गहरी है हम यहाँ पर केनाल। एंड केनाल के ऊपर भी मैंने एक बाइक साइकिल से, ये इलेक्ट्रिक 2 मीटर इलेक्ट्रिक मेरे पास साइकिल है, तो उसमें से मैंने ऑफ रोडिंग किया था, तो बहुत ही मज़ा आया था, वो वाला शानदार व्यू था, वो भी आप ऊपर जाके देख सकते हैं आई वैल में। जो कि आपको बहुत ही जल्द वहाँ भी लेके जाने वाला हूँ मैं। तो फिलहाल यहाँ पे चाय पानी पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से।
हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी इस रूट से जाता हूँ ना, इस रूट से निकलने से मतलब कि तलसाने में हमेशा मैं यहाँ पे चाय नाश्ता जरूर करता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस गाड़ी में जो वाइजर है ना, वाइजर में मैंने लिखवा के रखा हूँ JVP स्काई ब्लॉग। और इससे फायदा ये रहता है कि यार जो भी देखता ना चैनल का नाम उसको पता ही चल जाता है, क्योंकि सामने लिखा है गाइस, सामने लिखा है JVP स्काई ब्लॉग, तो उन लोगों को पूछने की जरूरत नहीं रहती भैया चैनल का नाम क्या है, फट से लोग देखते हैं सर्च मारे सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब तो सभी को बोलता हूँ मैं, कर लीजिए, मजा आएगा आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग देखने में। फिलहाल यहाँ से निकल चुका हूँ कुंडा में, यहाँ से 13 किलोमीटर, 13 मतलब यहाँ से अभी टोटल 30 किलोमीटर और मुझे जाना है, तो जल्दी भी चलते हैं क्योंकि भाई विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा और सूरज पूरा ढल चुका है। तो यहाँ से कुंडा में बचा मात्र 1 किलोमीटर वो, एंड इसे पहले पड़ता है पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप में हम सबसे पहले भरवाएंगे पेट्रोल। I smoke too much, I drink too much, I tell myself. तो अभी पेट्रोल चल रहा है 107.60, इतना पेट्रोल चल रहा है। तो यार 1 किलोमीटर से भी कम बचा है, तो इससे पहले रोड आता है तो वहाँ से हम कट लेंगे। तो विजिबिलिटी ऐसी है कि 5 मिनट बाद ना पूरी ख़त्म हो जाएगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी, जितनी रोशनी है सब ख़त्म हो जाएगी। कुंडा से जब थोड़ा सा ही अंदर आते हैं ना, तो भाई साहब यहाँ का जो रोड है ना ऐसा घुमावदार है ना, ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में ये वाला जो जिस रोड से हम जा रहे हैं ना ये बंद हो जाएगा और ये यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा ही पूरा एक फ्यूचर प्लानिंग बन रही है, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा ना डैम बनने वाला है और ये रोड पूरी बंद हो जाएंगी। तो ये पूरे हो सकता है कि ये कुछ गाँव हैं, कुछ गाँव जैसे वो सामने कुछ गाँव हैं तो वो रहेंगे, बट ये पूरा प्रॉपर सलोड़ी जाने के लिए, यहाँ से 13 किलोमीटर है हालांकि, तो प्रॉपर सलोड़ी जाने के लिए वो रास्ता पूरा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से है घाटी भाई, ये घाटी है यहाँ पर, जब माँ बंजारी माता है यहाँ पर, तो यहाँ जब भी जाते हैं तो भाई हॉर नहीं अब सर झुका के निकलते हैं। मैं जिस नदी की बात कर रहा था वो ये है नदी, ये वाली नदी है, तो ये नदी के पास पूरा डैम बनने वाला है। तो यहाँ पर घाट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक घाट है, लगातार 3 से 4 घाट हैं यहाँ पर इसी टाइप में, ये पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो भाई साहब ये है पूरा रास्ता। और किस्मत देखो कि आज जो मेरी येलो वाली जो लाइट है ना वो भी नहीं जल रही है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यार। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, एंड कल कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था, विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, इसलिए मैंने क्या सोचा कि कल मॉर्निंग में ही मतलब कि आज मॉर्निंग में ही वीडियो ख़त्म करूँगा। तो अभी फ़िलहाल आज है रिपब्लिक डे, एंड आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और निकलते हैं गांव की ओर, और हम नहा धो के तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो लेके, जब तक के लिए जय राम, हर हर महादेव।